पहले बता रहा हूँ। चिकन में हमारे पड़ता है साबूत, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कढ़ाई मिलती नहीं है, उसमें हमारा कितना तेल है 1000, इसके बाद धोएंगे। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। MMJ Vibes चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं पहुंच चुका हूं अपने ससुराल, और ससुराल पहुंचने के बाद आज हम बनाएंगे चिकन। बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में चिकन बनाऊंगा, और ये थोड़ा फूड व्लॉग होने वाला है। क्योंकि मैं बना रहा हूँ आज चिकन, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ चिकन में, और मेरा चिकन बहुत फेमस है। मैं पहले बता रहा हूँ, खुद ही अपने स्वयंभू होकर अपनी तारीफ कर रहा हूँ। चिकन बिरयानी नहीं बनेगी, बच्चे कह रहे हैं चिकन बिरयानी नहीं, आज नॉर्मल चिकन बनेगा। चिकन बिरयानी में टाइम लगता है, तो नॉर्मल बंगाली चिकन जिसमें कि लहसुन गिरता है, वो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे जब से आया हूँ, आई बारिश रुकने का नाम ही नहीं रही है, खतरनाक बारिश हो रही है यार। बारिश पे बारिश मतलब ज़बरदस्त बारिश। तो अभी बारिश का मौसम था, तो बच्चों ने डिमांड किया कि चिकन खाएंगे, तो चिकन लेके आया गया है और चिकन अभी बनाएंगे। अच्छा ये तूने, नहीं वो साबूत लहसुन चाहिए कुटरी? तो भैया इस चिकन में हमारे पड़ता है साबूत एकदम लहसुन, और वो टेस्टी बहुत लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये वाला चिकन आप भी अगर ट्राई करोगे घर पर, तो बढ़िया मस्त टेस्टी लगेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ेगा। इसमें प्याज नहीं डलता, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस चिकन में प्याज की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं होती, वैसे डालने को डाल सकते हो बट ज़रूरत नहीं होती। तो बस मेरे चिकन पकाने में सबसे बड़ी स्पेसिफिक बात क्या है कि मेरे को सारा सेटअप करके देना पड़ेगा, मतलब लहसुन वहसुन सब कुछ पीस पास के देना पड़ेगा, तब मैं पकाता हूँ। क्योंकि हम हैं बड़े शेफ, है नहीं दीदी? बड़े शेफ है, तो हम ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। और भैया ये कढ़ाई स्पेशली मैं अपने वहाँ से लेके आ रखा हूँ चिकन बनाने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी कढ़ाई मिलती नहीं है, इस एरिया में तो नहीं मिलती है। मिलती है, लेकिन अलग टाइप की, अलग टाइप की मिलती है ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया से। मैं अपनी गाड़ी जो कल इतनी बड़ी ड्राइव आपने देखी, तो उसमें से धोके ले आ रखा हूँ ये पूरी की पूरी कढ़ाई, और इसमें बनाएंगे हम चिकन, और आज इसका उद्घाटन करेंगे दोनों। और इसके ये भी, अरे यार ये पूरा ना ये है यहाँ पे थिनर, और चूंकि अभी इसमें से वो निकाला ना, तो उसमें चिकट चिकट रह गया, जो उसका जो गोंद रहता है वो पूरा चिपचिपा है। इस थिनर ये क्या है 1000, इसके बाद धोएंगे। लगा एक खराब कपड़ा दो मुझे, उसी से निकलेगा वरना ही निकलेगा नहीं। बाजू है, लौंग है, इसके अलावा थोड़ा सा ये क्या है, अदरक,
अदरक भी है और लहसुन भी है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोग समझ सकते हो कि ये वो चीज है। ठीक है, अब ज्यादा बातचीत करने से बेटर ये है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मीट में टेस्ट चाहिए तो हमारे में ऐसा बोलता है मीट को बहुत कम, ज्यादा नहीं धोना चाहिए, एक्सेस नहीं धोना चाहिए, जिससे कि उसके जर्म्स निकल जाए इतना ही धो एक या दो बार। ज्यादा धोना चाहिए मछली, मछली जितना ज्यादा धोगे उतना टेस्ट होगा और मीट जितना कम धोगे उतना टेस्ट होगा, ऐसा बोला है। आप डालते हैं हम इसपे तेल, तेल कम है मेरी जो क्वांटिटी है वो 2 किलो 2.5 किलो के करीब है, उसमें हमारा इतना तेल जाएगा, मैं इतने से तेल नहीं बनाता हूँ, ज्यादा तेल नहीं है क्योंकि भाई आपने मेरा वीडियो पहले देख रखा है, मेरा गॉल ब्लैडर है नहीं, मैं ज्यादा तेल नहीं दूंगा। तेल आप गर्म होने देते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, जीरा जिससे कि एटलीस्ट वो हो जाए, गरम हो जाए जीरा, थोड़ा काला काला हो जाएगा। उसके बाद ये जो पेस्ट है वो ये डालूंगा। गरम देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जीरा डाल देता हूँ, इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा रेडिश सा कलर सा नहीं हो जाता। ये जो जीरा मैंने अभी पकाने के लिए दे रखा है तेल के छोके पे, तो ये जब तक हल्का हल्का रेडिश सा कलर नहीं होता तब तक इसको ऐसे करछे चलाते रहेंगे, और ये ध्यान रखना है कि नीचे लगे ना। हो गया मम्मा, बच्चे भी देखो परेशान कर रहे हैं। ये है अपना चिकन और ये भी है, ठीक है, बच्चों के लिए ये अपन। अब इसका काम है, अब टेस्ट का काम है कच्ची जलाने पे। हो गया, इतना सा नमक जाएगा, बनाते यार आइडिया लग जाता है, अगर आप पहली बार में हो सकता आपको आइडिया ना लगे बट अगली बार में जरूर लग जाएगा। ये लहसुन है, ये साबुत लहसुन जाएगा, बाजू मत करो उसको। ये होम फ्रेश कंपनी है जो कि मैं उत्तराखंड से स्पेशली ला रखा हूँ, और उसी होम फ्रेश का हल्दी और मिर्च भी, क्योंकि इससे मेरे वहाँ पे मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है, गुड अच्छा लगता है ना आपको? बहुत बढ़िया। आप बताओ ना, आप साइड में आप आठ डाल दो, हल्दी डाल दी। उसके बाद हम डालेंगे तो अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमको रख देना है, सो दैट ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए, अंदर से पानी गल जाए। ये काम करेगा नमक। 5 minutes later. जितना आप फ्राई करोगे उसको इस मोमेंट में, इस वाले पैटर्न में, उतना टेस्ट आएगा।
ज्यादा भी नहीं करना, मतलब वो जल जाएगा, वो बेकार होगा। बट आप जितना इसको मतलब पानी को सुखाओगे, फिर पानी डालेंगे, फिर सुखाएंगे, वो और टेस्टी होगा। मेन इम्पोर्टेंट है, आप जो भी चीज डाल रहे हो उसको थोड़ा हाथ में रख के डालो, मीन्स थोड़ा कम कम डालना है, सो दैट कि आपके पास चांस रहे कि अब मेरे को और क्या डालना है। तो अब जैसे मैंने पानी डाला, फाइनल पानी डालने से पहले अब मैं टेस्ट करूंगा कि मेरी जो तरी की टेस्ट है, मतलब जो मीट का तरी है उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, वो मेरे को एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे वही सेम पैटर्न मैंने लिया, इसी आंच में पकता रहेगा, तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा बट गारंटी है कि टेस्ट बहुत जबरदस्त है। तो यार ये मैंने अभी इसको ढक दिया है और ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं सबको टेस्ट करवा के देखूंगा, इसको पकाऊंगा मैं लगभग 10 मिनट के करीब, उससे ज्यादा नहीं पकाऊंगा, फिर उसके बाद टेस्ट करवाऊंगा सबको कि कैसा लगा। A few moments later, ये चिकन बन चुका है और बच्चे खा रहे हैं हमारे ये चिकन, तो देखते हैं बच्चों बताओ कैसा लगा चिकन। अच्छा। टेस्टी, मजा आया। 10 में से कितने मार्क्स दोगे? दस। और तुम? 5। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, पक गया। चलो भैया मैं भी खा के थोड़ा देखता हूँ। बंद करो। तो भैया जवाबदार बनकर जबरदस्त। अभी जो है चिकन विकन सब कुछ बन चुका है, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। बुलबुल ने भी कांदा वगैरह काट दिया, मतलब प्याज काट दिया है। और इसके बाद भैया ये रहे बन गया अपना, आ गया। देखो कलर, देखो यार कलर देख के मजा आएगा आप लोगों को। थोड़ा रेडिश रेडिश है, हुआ है मिर्च तो हुआ है, बट अच्छा लगा था मुझे। बोलो खा के बताना कैसा लगा। भैया दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो प्याज के साथ नींबू को खाते हैं, मतलब प्याज में नींबू लगा के खाते हैं, एक जो नहीं खाते। तो मैं हूँ पहले किस्म का, जो प्याज में नींबू लगा के खाता है। और ये भैया थाली सज चुकी है, अब मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसा। बट मैं क्यों बताऊं, मैंने तो पकाया है, तुम लोग बताओगे कि भाई कैसा बना है। तुम बताओ, तुमने चख लिया भाई बुलबुल ने, हैं कैसा बना बढ़िया? अरे अच्छा बना है, सच सच बताओ। नहीं, गजब बेइज्जती है। बढ़िया, मुंह में भरा है। अच्छा मुंह में भरा है, ओके। ये रहा लहसुन, ग्रेवी तो देखो अच्छी बनी है। बाकी ये था हमारा फूड ब्लॉगिंग, जो मैंने चिकन बनाकर आप लोगों को दिखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।